दोस्तों मैं सूर्य हूँ, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी जुग जुग जियो। ये जो फिल्म है इसका फर्स्ट शॉट मैंने अभी तक देख लिया है बिना किसी परसेप्शन के गया था। ट्रेलर वाकई में मुझे अच्छा लगा था। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, डायरेक्टर जो है राज मेहता, फर्स्ट हाफ में वापस सेम तरह कमाल करने में कामयाब साबित रहे हैं जो उन्होंने गुड न्यूज में किया था अक्षय कुमार स्टार वाली फिल्म में। उस फिल्म में भी कियारा आडवाणी थी और इस फिल्म में भी कियारा आडवाणी है। पावरफुल दोनों है अभी तक। वरुण धवन अपनी जो नेचुरल एक्टिंग है वही करते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल कपूर का जो रोल है वो जान छिड़क देता है और नीतू कपूर को साथ में देखना अनिल कपूर के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की फिल्म अभी तक नजर आ रही है। और वो कमाल की क्यों नजर आ रही है वो मैं बताऊंगा। ये जो डायरेक्टर है राज मेहता, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर है। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऋषभ शर्मा का नाम है जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं और उन्होंने क्या कमाल के डायलॉग लिखे हैं। फिल्म फैमिली एंटरटेनर है, थोड़ी एक दो डबल मीनिंग कहीं ना कहीं आते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। पूरी फिल्म में बहुत डिफरेंट तरह की स्टोरी दिखाई जा रही है, जैसे कि आजकल के टाइम में जब जैसे है ना फैमिलीज के बीच में इश्यूज हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे इसकी स्टोरी तो आप ट्रेलर से जान ही चुके होंगे कि कियारा और वरुण यानी कि कुकू और नैना आई थिंक उन दोनों में कहीं ना कहीं जमती नहीं शादी के बाद, और वो तलाक लेना चाहते हैं। और जब पता चलता है कुकू यानी वरुण को उनके माँ बाप भी तलाक लेना चाहते हैं, तो उससे फिल्म में क्या ट्विस्ट आता है वो इस फिल्म की पटकथा है। लेकिन अभी तक फर्स्ट हाफ को अगर मैं देखूँ तो मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लगी, कहीं कहीं थोड़ा सा ओवर हो रहे एक्टर्स लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक है। अभी तक मेरी रेटिंग जो रहेगी इस फिल्म के लिए और वो 3.5 स्टार रहेगी। हंसा काफ़ी मैं, कॉमेडी अच्छी और उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म का सेकेंड हाफ भी मुझे अच्छा लगे और मैं उसके बाद अपनी प्रॉपर रेटिंग दूँगा। लेकिन फर्स्ट हाफ पूरा पैसा वसूल है, बैंग ऑन है, 3.5 स्टार। बाय बाय।